हरे कृष्ण उदित, आवाज आ रही क्या? हाँ एक सेकेंड, मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे बोल उदित, आवाज आ रही क्या? अरे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दान प्रणाम। जय हाँ हरे कृष्ण दी, तू आवाज आ रही क्या? जय। हाँ मेरी आवाज आ रही क्या? जी प्रभु जी, आवा रही है। आवाज क्लियर ना आ रही है तो बता देना, फिर मोबाइल से ज्वाइन करूंगा ना मैं। नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस रेडमी नोट की जो कंपनी है ना, प्रभु जी, वो भी ज्वाइन कर रही है। रेडमी रेडमी नोट नोट एट की रेडमी नोट एट लिखा हो रहा है। अरे जनक माता जी ज्वाइन की है क्या मोबाइल से? अच्छा नहीं प्रभु जी, ये मेरे को लगता है सर शिवम प्रभु है हाँ, रेडमी नोट 8 में। हरे हरी बोल, कौन है रेडमी नोट? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरी बोल। हाँ आप तो नाम में अच्छे बात वो डाल रहा हूँ, रेडमी नोट अच्छा नहीं लग रहा है। शिवम को चेंज कर दिया जी। और उदित पोट ठीक है आप? यस प्रभु जी, यस आशीर्वाद है प्रभु जी। ओके okay. मदर जी आप ठीक हैं? अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल प्रभु जी। प्रणाम। कल टेंपल में एक फेस्टिवल था, तो उसमें एक भक्त मजाक कर रहे थे, गेट पे खड़े होकर बोल रहे थे कि यू हैव टू पिक वन, आर यू मैरिड और यू आर हैप्पी। भाई आर यू मैरिड अनमैरिड बनेंगे, आर यू मैरिड और हैप्पी। प्रभु जी, वी आर हैप्पीली मैरिड। हैप्पीली मैरिड डिवोटीज हैप्पी है। ये अच्छा है, भगवत गीता क्लास बहुत फिलोसफिकल हो रही थी। और कल मैं एक दो भक्त से बात कर रहा था, तो यात्रा पे गए, मैं बोला कि आप ज्वाइन करवाओगे क्या? लग रहा है आपको यात्रा पे हो कि मुश्किल ही लगा है ज्वाइन कर पाएंगे? मैं बोला था ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि अब मैं शिशुपाल वध कवर करूंगा। वो तो मुझे भी सुनना है, मैं ज्वाइन कर लूंगा। देख रहे हैं, मतलब कोई आदमी की मृत्यु होने जा रही है, उसका वध हो रहा है, सबको आनंद आ रहा है, देख लो। क्यों देखो, ठीक कह रहा हूँ। उदयपुर आप सो तो नहीं गए? अरे प्रभु जी, आप ही इज कॉलिंग एवरी वन ओके फॉर द क्लास। ओके कोई नहीं, मतलब भगवत गीता क्लास रही है, शिशुपाल का वही डिस्कस करेंगे, तो कोई नई भी आए कोई। एक्चुअली ज्यादातर भक्त मायापुर यात्रा पे गए हैं ना, तो उनका शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे होगा वहां पर। मैं कल पूछ रहा था जब यात्रा पे जो भक्त हैं कैसा चल रहा है, कह रहे थे कि यहाँ पे तो भक्तों ने उधम काट रखा है, अंदर भक्त बाहर भक्त होटलों में भक्त, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, और वो एक दो नए लोगों को ले गए हैं तो वो भक्ति में है नहीं। तो वो नए लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये क्या बात है, मंदिर के जाओ, अंदर जाओ तो हरे कृष्णा, गेट पे हरे कृष्णा, बाहर हरे कृष्णा, मार्केट में हरे कृष्णा, कोई और भजन है ही नहीं इनके प्रभु पास। इनका हर जगह हरे कृष्ण चालू है, नए हैं ऐसे भक्तों के भी, महाप्रभु की कृपा चल रही है। मायापुर में कैसा है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान मंदिर में ही है एक्चुअली, वैसे तो इन जनरल भी अगर देखो भगवान हर जगह है ही, पर वहाँ माहौल जो है ना, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में मिलेगा, मंदिर के बाहर भी वैसा ही कृष्णा कॉन्शियस माहौल है वहाँ पे मायापुर में। जितना मैं सुना हूँ, गया तो महाप्रभु की कृपा होगी तो जाएंगे वहाँ पे, गया तो कभी नहीं हुआ वैसे अभी तक, जितना मैं सुना हूँ बड़ा अच्छा माहौल है मायापुर में। हाँ जी प्रभु जी, मतलब वीडियोस वगैरह भी हम देख रहे हैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है।
बीचेस वगैरह हाँ अगर कोई वहां पर है तो वहां पे भी काफी मतलब कीर्तन ही चला जा रहा है, और बहुत मतलब बहुत ही वाइब्रेंट लेवल पे। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यहाँ पर है कि एक ग्रुप बैठ के कर रहा है, ऐसा नहीं है, या मतलब बहुत वाइब्रेंट लेवल पे चल रहा था। वही 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 या ठीक है तो शुरू करते हैं। उदय प्रो आप मंगलाचरण करेंगे, हम लोग शुरू करें। यस प्रो जी, यस स्टार्ट करूँ प्रो जी। ओम ज्ञानम तिमिरंदस्य ज्ञानाजनाशलाकया चक्षुरन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगंधगुणातुवितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगंधलिता श्रीविशाखावितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शुरुआत की जाए तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस साप्ताहिक भगवत गीता क्लास जो हम लेते हैं, इसमें आज भगवत गीता नहीं लेंगे क्योंकि काफी लोग यात्रा पे हैं, तो मैंने सोचा कि शिशुपाल वध हम लोग लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में आया है शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जो हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में पढ़ते हैं, और जब फिर हम उसका कीर्तन करते हैं तब विष्णु स्मरणम होता है। सिर्फ श्रवणम करेंगे तो भी विष्णु स्मरणम नहीं होगा, सिर्फ कीर्तनम करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कीर्तनम करेंगे क्या अगर आप श्रवणम नहीं करेंगे तो। और जब ये दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं तब विष्णु स्मरणम होता रहता है, इजी हो जाता है बहुत। ये शास्त्र हमें सिखाए हैं, मैं जो भी श्रवण किया और उसको आप मौका दे रहे हैं मुझे कीर्तन करने के लिए आज यहाँ पे, तो आप सबको का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि मैं बाकी भक्तों से भी बोलता हूँ कि जो भी आप पढ़े सुने उसको दो लोगों को एक नियम सा ऐसा बना लीजिए कि जो हम पढ़ेंगे वो दो लोगों को जाके आगे बताएंगे, क्योंकि वो फिर हमें विष्णु स्मरणम करने में हेल्प करेगा। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो भगवान बहुत सारे राक्षसों का वध किए हैं, और भगवान का एक नाम है अलौकिक, अलौकिक नाम है भगवान का। अलौकिक क्यों है? क्योंकि भगवान लोक व्यवहार से अलग व्यवहार करते हैं। ऊपर का व्यवहार, लोक व्यवहार में कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप मुझे कुछ दिए तो मैं आपका फेवर करने लग जाऊंगा कि ये आप मेरे हैं, और जो कुछ मुझे नहीं दिया उससे मैं द्वेष करने लग जाऊंगा। ये एक लौकिक व्यवहार पे देखा जाता है, पक्षपात का एक होता है, हम हर जगह ही है, घर में, ऑफिस में, सड़क, हर जगह हम देखे हैं पक्षपात चलता है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, कहीं प्रेम है कहीं द्वेष है। पर भगवान जो है वो अलौकिक है, हम सब लौकिक हैं, लोग व्यवहार कर रहे हैं, पर भगवान का एक नाम है अलौकिक। अलौकिक कैसे है कि जैसे देवता लोग भगवान को क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं, फिर भी भगवान उनका फेवर करते हैं और राक्षस लोग भगवान को ऐसा कुछ हार्म भी नहीं करते, क्या हार्म कर सकते भगवान का, पर उनका गला काट के उनको भी अपने धाम बुला लेते हैं देखे कोई 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 भगवान का क्या कर सकता है, देखिए कोई भगवान क्या दे सकता है, पर फिर भी सबका पालन पोषण करते हैं, सबसे इतना प्रेम करते हैं, जो राक्षस है उसको मार के भी अपने धाम बुला लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कोई देश भावना है
मार दिया तो नरक जाओ और डीपेस्ट हेलिश प्लैनेट्स में चले जाओ, नहीं मारा भी तो फिर वापस अपने धाम बुला लेते। तो वैसे तो भगवान बहुत बहुत राक्षसों को मारे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पूतना, 6 दिन के थे तभी पूतना का मर्डर कर दिए थे भगवान, पर पूतना को भी नैनी की पोजीशन थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो बहुत बहुत कृपालु है भगवान, बहुत ज्यादा दया वाले हैं। तो इन्हीं सब सीरीज में एक राक्षस है, ये भी राक्षस ही प्रवृत्ति, जो भी लोग भगवान से द्वेष रखते हैं ना वो एक्चुअली राक्षस ही है। राक्षस कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सींग निकले हुए हैं, लंबे लंबे दांत है, जितने भी जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अथी, ये सब राक्षस लोग हैं। इनमें कोई भी सदगुण नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बोले कि बहुत शुद्ध सदगुण वाले लोग, नहीं ऐसा नहीं, सब राक्षस। मीट ईटिंग देख लो स्लॉटर हाउसेस में, बेचारे जानवरों को गला काट देते हैं फिर प्लेट में रख के उनको खाते हैं, और पाप छुपाने के लिए कहते हैं मीट ईटर्स। हम नॉन वेजिटेरियन हैं, अरे आप सीधा कहिए ना कि आप डेड बॉडी खा रहे हैं, इससे नॉन वेज कह देने से तो पाप छुपेगा नहीं। तो इसी क्रम में भगवान से द्वेष जो रखते हैं एक शिशुपाल जो है, उनका वध भगवान कैसे किए, उस प्रसंग में क्या हुआ, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो दृष्टांत आता है पूरा, कि पूरा जो लीला भगवान की है, इसमें ये आता है महाभारत में। तो महाभारत के 6 खंड है बेसिकली, तो उसमें पहला जो खंड है उसका नाम है आदि पर्व। आदि पर्व और सभा सभा पर्व करके एक पूरा खंड है, वो इस तरह से 6 खंड है पूरे। तो उस पहले खंड में ये एक पास्ट टाइम आया है पूरा, तो मैं इसे थोड़ा सा संक्षिप्त में रखूंगा। वैसे तो काफी बड़ा है जिसमें शिशुपाल के बारे में भी काफी बताया गया है, पर मैं लिमिटेड रखना चाहता हूँ जिसमें भगवान के बारे में फोकस कर सकें, क्योंकि बाकी काव्य कितने ही पढ़े कितने ही ज्ञान हो जाए, अगर हम भगवान को नहीं जान पा रहे, उनसे प्रेम उत्पन्न नहीं कर रहे, वो काव्य एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। इसलिए भगवान अर्जुन को भी डांट रहे थे, हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, भगवान कह रहे थे कि त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। त्रिगुण्य विषय वेदा, बोले वेद त्रिगुण्य, 3 गुणों के बारे में बात करें, सद्गुण रजोगुण तमोगुण, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्र गुण्य भवार्जुना, तुम निर्गुण बनो। निर्गुण मतलब सतगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाओ, दिव्य गुण धारण करो। तो हम उस दिव्यता को अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें भगवान के ग्लोरिफिकेशन के अराउंड, भगवान का जहाँ सेंटर में है वहां पे हम बात करेंगे। तो इस पूरे शिशुपाल वध में भगवान ही सेंटर में है एक्चुअली, वो हम देखेंगे अभी। जैसे मैंने कहा कि पहला जो खंड है ना महाभारत का, उसका पार्ट है। तो उस पहले खंड के अंदर आदि पर्व सभा पर्व के अंदर फिर 2 पर्व हैं, अर्घरण्य पर्व और शिशुपाल वध पर्व। एक्चुअली शिशुपाल के वध से पहले अर्घरण्य पर्व आया है, ये मान लीजिए कि शिशुपाल के वध का बैकग्राउंड बन रहा है। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो और पहले थोड़ा सा खांस रहा है और बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा है, ऐसे आप मान लीजिए अर्घरण्य पर्व को, कि वहां पे उसका ग्राउंड बनना शुरू हो गया है शिशुपाल के वध का। और फिर अगले शिशुपाल वध पर्व जो आया है महाभारत में, उसमें भगवान शिशुपाल का मर्डर कर देते हैं। तो अर्घरण्य पर्व में वेलकमिंग एवरीवन पहला उसका सेक्शन है। तो वेलकमिंग एवरीवन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ है, आप लोगों ने भी वो महाभारत देखी होगी, टीवी पे देखा करते थे हम। तो ये युधिष्ठिर महाराज जो है राजसूय यज्ञ में सब राजाओं को, महर्षि लोगों को, ब्राह्मण को, स्नातक जितने भी सब लोग थे उनको बुलाए वहां पर, और सबका वेलकम हो रहा है। तो उसका पहला एक चैप्टर है वेलकमिंग एवरीवन। फिर दूसरे उसमें चैप्टर है शिशुपाल अगली डायलॉग्स फॉर कृष्ण। तो जब वेलकम कर रहे हैं और उसमें डिसाइड हुआ किसकी पूजा करनी है, बोले कृष्ण की करो, तो शिशुपाल को प्रॉब्लम हो गई। तो वो कृष्ण के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, बाकी भक्तों के बारे में जैसे युधिष्ठिर महाराज या भीष्म वगैरह के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो हम देखेंगे। फिर युधिष्ठिर परसुएडिंग शिशुपाल, तो क्या हो गया, जब शिशुपाल बहुत गुस्सा हो गए जाने लगे, तो युधिष्ठिर धर्मात्मा आदमी थे, उनको लगा कि नहीं यज्ञ में तो ये अशुभ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो मना रहे हैं शिशुपाल को कि भाई तुम ऐसा गलत वचन मत बोलो, रोक लेते हैं शिशुपाल को युधिष्ठिर। फिर शिशुपाल अभी भी मान नहीं रहे हैं, तो युधिष्ठिर भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जाने दो इसको, इसको इसके बारे इसके चक्कर में मत पड़ो। तो युधिष्ठिर एक तरह से कहते हैं कि नहीं, आप कृष्ण को ग्लोरीफाई करके कृष्ण के बारे में बताइए। उनको एक उम्मीद थी कि अगर भीष्म कृष्ण के बारे में बताएंगे तो फिर तो शिशुपाल मान ही जाएगा। तो इस तरह से राजसूय यज्ञ में जो ये जो अपवित्रता फैल रही है शिशुपाल की वजह से, वो फिर पूरा हम सबको संतुष्ट कर देंगे। तो ये पूरा इसमें, और फिर उसके बाद सहदेव थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सहदेव मेन आदमी थे, सब सबका इंचार्ज थे वेलकम करने के लिए, और कृष्ण की पूजा के लिए वो आगे बढ़े थे। जब ये डिसाइड हुआ कि कृष्ण को सबसे पहले पूजा जाएगा, तो सहदेव सबसे पहले आगे बढ़े थे।
कृष्ण को हम पूजते हैं करके, तो उनको गुस्सा ये आ जाता है कि इसमें इतने डिबेट वाली बात क्या हो गई, मतलब ये इतना माहौल क्यों खराब हो रहा है यहाँ का, है ना। तो फिर उनका एंगर है इसमें। और फिर शिशुपाल वध पर्व शुरू होगा। शिशुपाल वध पर्व में युधिष्ठिर थोड़े परेशान हो जाते हैं कि अब राष्ट्रीय यज्ञ कैसे होगा, क्योंकि इतना सब चल रहा है। और फिर उसके बाद भीष्म जो है फिर से युधिष्ठिर को कन्विंस करते हैं कि तुम चिंता मत करो, विधि का विधान है, भगवान कृष्ण का ही प्लान है। तो इस तरह से युधिष्ठिर को कन्विंस करना चाहते हैं। पर इस बीच में भीम गुस्सा करने लगते हैं। भीम आगे बढ़ के उनको लगता है कि यार इसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ शिशुपाल को, और ये सब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शिशुपाल अकेले नहीं थे, शिशुपाल के पास अपने भी बहुत सारे राजा थे, गैंग था पूरा, जो भगवान कृष्ण के बारे में शिशुपाल के जैसे ही ओपिनियन रखता था। फिर जब भीम को गुस्सा आ जाता है तो भीष्म जो है भीम को रोकते हैं कि बेटा तुम शिशुपाल को कुछ मत कहो, उसका काल पास आ गया है। और फिर तब बताते हैं शिशुपाल एक्चुअली हो है कौन, बर्थ के समय उसके साथ क्या हुआ था, और फिर कैसे भविष्यवाणी हुई थी, और कैसे कृष्ण ही उसकी मृत्यु के लिए है, तो तुम बेटा उसमें बीच में मत आओ। तो पूरा वो हिस्ट्री शिशुपाल की उसमें सुनाते हैं। और इस सब चीजों को सुन के तो शिशुपाल को और भी गुस्सा आ जाता है, फिर से कुछ कुछ बोलता है। तो क्या बोलता है, और हम उसको भी काउंटर करेंगे वो जो शिशुपाल बोल रहा है, क्योंकि देखिए द्वापर युग में राक्षस लोग बाहर होते थे, पर अब हम हमारे अंदर ही शिशुपाल है। तो जब तक हम उसको काउंटर नहीं करते हैं ना, तब तक हम खुद अपने अंदर के छुपे शिशुपाल को भी नहीं मारेंगे, जिसको जिसका मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं मरता है ना, तो भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत है। जैसे माला होती है छूट जाती है, मंदिर आते हैं छूट जाते हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं बट फिर छूट जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर ये रावण शिशुपाल बहुत सारे ऐसे लोग छुपे हुए हैं, जो जो वो चीज एस्पायर कर रहे थे वो हम आज एस्पायर कर रहे हैं। जैसे रावण ऐश्वर्य एस्पायर कर रहा था कि मुझे सोने की लंका मिले, हम भी वही तो चाह रहे हैं। इसीलिए तो सब चीजों में लगे रहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम हम डिस्कस किए थे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसकी भोग और ऐश्वर्य में बुद्धि लगी हुई है, समाधो न विधीयते, उसकी समाधि लग ही नहीं सकती, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स हो ही नहीं सकता। भक्ति कैसे, भक्ति में वो कैसे फिक्स होगा, क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो ये सब लोग क्या है, भोग में लगे हुए। इसका मतलब ये हम ही है, हमारे अंदर ही है शिशुपाल। तो इसलिए जो जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम काउंटर करेंगे, ताकि हम अपने अंदर के छुपे हुए शिशुपाल को, रावण को मार सकें। और फिर कृष्णा जो है, क्योंकि हम कृष्ण कथा करेंगे, तो जैसे भगवान शिशुपाल को मारे हैं, वैसे ही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे अंदर के छुपे हुए शिशुपाल को भी खत्म कर दे। ठीक है, शिशुपाल वध जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसा राजा रानी की कहानी की तरह नहीं है कि शिशुपाल आया, ये किया, वो किया। हम लोगों के लिए है कि हम सबका बैकग्राउंड उस टाइप का रहा है साइंस का, कि हम बहुत कॉन्टेमिनेटेड हो गए हैं। हम ब्रज के लोगों की तरह नहीं है, जो नेचुरली कृष्ण प्रेमी होते हैं, इतने पुण्य आत्मा भी नहीं है, वरना हमारा जन्म कहाँ पे होता, ब्रज में होता है ना, धाम में हमारा जन्म होता। हम ऐसे शहरों में पैदा हुए, ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पले बड़े हैं, कि अगर हम फिलोसफिकली कन्विंस नहीं होंगे, तो भगवान की भक्ति करना मुश्किल होगा। और भगवान भी बोले हैं भगवद गीता में, बुद्धि भक्ति योग को बुद्धि योग बोले हैं भगवान, बुद्धि योग, यानी अपनी बुद्धि से हमें भगवान के साथ जुड़ना है, कि कैसे कृष्ण है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और फिर उनकी सेवा करनी है। तो ये पूरा कंटेक्स्ट है। अब मुझे, आई एम श्योर, इतना सब हम कवर नहीं कर पाएंगे, पर जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम इसके अराउंड चर्चा करते रहेंगे। तो आज जितना भी कवर होगा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आर्गरण्य पर्व, वेलकमिंग एवरीवन। तो बेसिकली इसमें महाभारत में क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय यज्ञ जो महाराज युधिष्ठिर ऑर्गेनाइज किए थे ना, तो वो बहुत बड़ा लेवल का एक यज्ञ है। देखिए बड़ी बड़ी शादियां भी ऑर्गेनाइज होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में सब कुछ हो जाता है, बहुत टाइम पहले से प्लानिंग होती है। इसी तरह से राष्ट्रीय यज्ञ की प्लानिंग भी कई साल पहले ही शुरू हो गई थी। मतलब जो लोग आए थे, इतने दूर दूर से आए थे, कि उनको भी 1 साल लगा था राष्ट्रीय यज्ञ में आने में, इतना सब लोगों को बुलाया गया था। तो सोचो कितने दिन पहले प्लानिंग और इन्विटेशन सब चले भी गए होंगे। और बहुत मास लेवल पे इसका जिम्मेदारियां सबको बांटी गई थी। जैसे जैसे भीम को किचन डिपार्टमेंट दे दिया गया था, उनको खाने पीने का भी शौक था भीम को, और खाने को लेके जो लोग पर्टिकुलर रहते हैं वो उसमें कमी भी अच्छे से बता सकते हैं, और वही उसके हिसाब से बना भी सकते हैं।
तो इतने लाखों लोगों का उसमें इनविटेशन था, तो भीम को उसमें किचन डिपार्टमेंट दे दिया गया था कि वो अच्छे से सबके हिसाब से उसमें प्रसाद बना सके। सबके हिसाब से मैं क्यों बोलूँ, जैसे ब्राह्मण लोग हैं वो बहुत, उनका एक अलग स्पेसिफिक्स होते हैं वो क्या खाते हैं, राजा लोगों का अलग थोड़ा सा उपलट बनता है, शूद्र का एक अलग, इस तरह से अलग अलग स्तर के व्यक्ति के लिए जो भी बनना है। भीम उस किचन के इंचार्ज थे और उनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि सब लोग प्रसाद से संतुष्ट हो। तो अलग अलग जिम्मेदारियां, सहदेव की इसी तरह से जिम्मेदारी थी कि भाई गेट पर जो आ रहे हैं उनको वेलकम करना, गिफ्ट रिसीव करना। महाभारत में आता है कि जो भी राजा आए थे 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम कोई भी नहीं लाया था। इसका मतलब 1,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कुछ बहुत होती होंगी उस जमाने में, अब तो स्वर्ण देखना ही मुश्किल है। देखना छोड़ो, जो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं शेयर्स में कर रहे हैं, गोल्ड गोल्ड शेयर्स, उस समय तो बात ही अलग थी। और तो इस तरह से सबकी जिम्मेदारी थी। भगवान कृष्ण की भी उसमें एक जिम्मेदारी दी गई थी, उनको भी काम दिया गया था, और एक्चुअली दिया नहीं गया था, भगवान ये काम लेना पसंद करते हैं, क्या ब्राह्मणों के चरणों को धोना। तो जैसे इस पिक्चर में भी दिख रहा है, गेट पे कोई है, ब्राह्मणों की लाइन लगी हुई है और वो एक एक आता था, भगवान उसे बड़े प्रेम से सिंहासन बैठाते थे और खुद अपने अपने हाथों से भगवान चरणों को धोते थे ब्राह्मणों के। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और वो हमारे परम भगवान खुद बैठ के धरती पे ब्राह्मणों को ऊपर आसन में बैठा रहे हैं, उनके चरणों को अपने हाथ से धो रहे हैं। कितना कितना प्रेम भगवान जो है करते हैं अपने भक्तों से। हम सुने हैं भगवान, महाभारत में आता है कि जब अर्जुन अर्जुन के भगवान सारथी थे ना, तो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी इतनी ही नहीं थी कि वो रथ चलाते थे, जो सारथी होता है ना उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, घोड़ों को चारा खिलाना, युद्ध के समय जब रथ पे अटैक होता था तो कुछ कहीं से कुछ कुछ पेच ढीला हो गया, युद्ध के समय उसकी पूरी मरम्मत, डेली उसकी मरम्मत किया करते थे कि रथ पूरा योद्धा जो अर्जुन थे उनके लिए तैयार रहे, पूरा जिम्मेदारी। और जब भी अर्जुन डेली अर्जुन को रथ पे खुद चढ़ाते थे, एक हाथ से उसका अर्जुन का एक हाथ पकड़ते थे और दूसरे हाथ की हथेली पे अर्जुन की एक पैर रखवाते थे और फिर उनको ऊपर चढ़ाते थे। सोचिए, भगवान को आनंद लगता है भक्तों की सेवा करने में, और भक्त भी आनंदित होते हैं कि ठीक है, भगवान को अगर इसमें आनंद है तो वो भी फिर इसमें आनंद लेते हैं। वृंदावन के एक संत की भी कथा आती है, बड़ी अच्छी कथा है। वो संत जो है एक आश्रम में भजन कीर्तन किया करते थे, बहुत शिष्य भी उनके आश्रम में रहते थे। जब बूढ़े हो गए तो जब शिष्य लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया, इतना बेड पे रहते थे, नाम जप करते रहते थे, जीवा चलती थी, शरीर ने चलना बंद कर दिया था, नाम जप करते रहते थे, बेड पे लेट रहते थे रात में, रात को, दिन में तो कभी कभी कोई शिष्य आ गया प्रसाद रख देता था, रात को उनको कभी टॉयलेट जाना है, फिर सुबह सुबह 3-4 बजे उठ जाते थे तो पेट भी क्लियरिंग करने के लिए जाना होता था। तो उस समय उनका कोई एक शिष्य था, बड़ा प्रेम करता था गुरु से, वो आता था, उनको उठाता था, वॉशरूम तक लेके जाता था, सुबह फिर 3-4 बजे उठते थे, फिर आता था, फिर उठाता था, फिर लेके जाता था। अब ये नाम जप में रहने वाले भारी अंदर वो अलग होते हैं, भक्त लोग अलग रहते हैं, नाम जप में इतना डूबे रहते थे कि आंतरिक स्थिति में ही रहते थे। आंतरिक स्थिति में रहते थे इसका मतलब क्या है कि हमेशा भगवान श्री राधा कृष्ण के ध्यान में ही लगे रहते थे। उनका बाहरी स्तर पे, शरीर के स्तर पे क्या चल रहा है उतना बाहरी स्तर पे पता नहीं रहता था, आंतरिक स्थिति में ही रहते थे। इसको समाधि भी बोला जा सकता है, जैसे यशोदा मैया, गोपियां, ये सब समाधियों में रहती थी। समाधि मतलब इनको कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, तो कृष्ण की बातों में ही लगे रहते थे। तो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस थे संत, कभी कभी बाहरी चेतना में आए, एक दिन ऐसे ही सोचने लगे कि कौन सा है मेरा शिष्य जो आके मुझे ये बीच बीच में मुझे जरूरत पड़ती है जाने की, कभी रात को, फिर सुबह सुबह तड़के भी आके मुझे पेट क्लियरिंग के लिए जाना होता है तो करता है। तो एक दिन ऐसे मन में आया, तो फिर जब सुबह वो शिष्य उठाने आया तो उसने उठाया, खड़े हुए और खूब दहाड़े मार मार के वो जो है संत रोने लगे, कहे कि, और रोते रोते बोले कि भगवान आप बहुत कृपालु हैं। तो और फिर उनका हाथ पकड़ लिया, किसका, उसी शिष्य का, और शिष्य और कोई नहीं था, भगवान कृष्ण खुद ही आते थे उनको, जो इतनी तबीयत खराब और सब में भी उनको उठा के लेके जाते थे, बीच बीच में आते थे जब भी जरूरत थे, और रोने पता है क्यों लगे, कहे कि मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि ना सिर्फ आप मुझे उठा के लेके जा रहे हैं बल्कि एवरी मॉर्निंग मुझे वो टॉयलेट क्लीन मिलता है,
जब भी 4 बजे 3:30 बजे जब भी उठते थे तो भगवान टॉयलेट भी क्लीन कर रहे हैं भक्तों का। सोचिए, भगवान मेक श्योर करते थे कि इसे मैं लेके जा रहा हूँ 3:30 बजे 4 बजे जब भी मुझे आवाज देगा उससे पहले मैं टॉयलेट क्लीन करके तब इसको लेके जाऊंगा। ऐसे भगवान है हमारे कि भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जय विजय के पास टाइम में भी हम देखते हैं कि जब सनकादिक ऋषि आए जय विजय को श्राप दिया तो भगवान आके बोले कि नहीं नहीं ये मेरे ही पार्षद हैं, और सनकादिक ऋषियों से बोले कि अरे आप तो मेरे इतने भक्त हैं, आपके चरणों से निकला हुआ जो जल है जब वो मुझे टच करता है तो मैं पवित्र हो जाता हूँ। ऐसे भगवान बोल रहे हैं भक्तों को कहे कि मैं तो अपवित्र हूं पर आपके चरणों से जो जल निकलता है ना कहे मैं तो मतलब उससे पवित्र हो जाता हूँ। इतना ज्यादा भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं, इतना वैल्यू देते हैं। विदुर विदुर महाराज विदुर जी के पास भी जब भगवान गए थे ना मिलने तो उस समय उनकी जो वाइफ थी वो तो भगवान को देख के ही इतना मैस्मराइज हो गई, और भगवान को जब केला भी खिलाई तो केला छिलका हटा के छिलका छिलका उनको दे दिया और केला फेंक दिया, क्योंकि इतना मैस्मराइज हो गई थी कि बस देखती देखती जा रही थी और उनको केला फेंक के छिलका दे रही थी और भगवान भी छिलका खा रहे थे। जो प्रेम से भगवान को जो दे रहा है उसको भगवान जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना प्रेम भगवान जो है भक्तों से करते हैं। और सिर्फ कई बार लोग कह सकते हैं कि भक्त के प्रति पार्शल होते हैं, भक्त के प्रति पार्शल तो होते हैं, भगवान कहते हैं कि हाँ मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, पर नॉर्मल लिविंग एंटिटी भी कोई जाता है ना तो भगवान अर्जुन को खुद बोले हैं कि कोई कोई भी किसी भी भाव से मेरे पास आता है कुछ भी मांगता है मैं उसे देता हूँ। जैसे महाभारत में ही एक पास टाइम आया जिसमें अर्जुन और कृष्ण जब युद्ध शुरू होने से पहले फील्ड का निरीक्षण करने जाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा ये कि चिड़िया फिर परिक्रमा करती है वहां पे भगवान की, और चिड़िया भगवान तो सब लैंग्वेज जानते ही हैं तो चिड़िया भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भाई कुरुक्षेत्र का ये मैदान तैयार हो रहा है युद्ध के लिए तो ये लोग जो है यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं, और बोले मेरे अभी मैंने अभी ही अंडे दिए हैं, अगर ये पेड़ वगैरह काट देंगे वो अंडे सब नीचे गिर चुके हैं तो उनके टेक केयर मतलब इस युद्ध में वो अंडे जो है वो खत्म हो जाएंगे, उनको उन अंडों के प्रोटेक्शन कौन करेगा वो जो अंडे हैं नीचे गिरे हुए, तो क्योंकि ऑब्वियसली जब युद्ध होगा सब हाथी घोड़े सब इधर उधर पूरी प्रलय मचेगी, महाभारत का युद्ध हो रहा है तो उसमें तो आदमी का ही पता नहीं होगा, बड़े बड़े योद्धा उसमें मरने जा रहे हैं तो मेरे अंडों का तो क्या ही होगा, तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप कुछ कीजिए जिससे मेरे अंडों की रक्षा हो सके। तो उसी समय भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप मुझे अपना गांडीव दीजिए। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं आप मुझे बताइए किसको मारना है मैं अभी खत्म करता हूँ, क्योंकि भगवान और चिड़िया की बातचीत हो रही है ना, अर्जुन को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ना अर्जुन को लगा कि कोई होगा भगवान को मारना होगा, तो भगवान कहते नहीं नहीं आप मुझे बताइए मैं खत्म करता हूँ उसको अभी। भगवान बोले नहीं नहीं आप मुझे दीजिए मुझे चलाना है। भगवान उनसे धनुष लिए और सामने एक हाथी खड़ा था, उस हाथी पे भगवान तीर चलाए, एक्चुअली उस हाथी पे नहीं चलाए थे, उस हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उस पे चलाए और वो घंटी घंटी नीचे गिर गई। और फिर जब युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हुआ उसमें लाखों करोड़ों योद्धा उसमें मर गए। ऐसा आता है कि युद्ध के बाद धृतराष्ट्र भी युधिष्ठर से पूछ रहे थे कि इसमें कितने लोग जो हैं वो मरे, तो युधिष्ठर ने कुछ लाखों में काउंट बताया और फिर ये भी बताया कि 18,000 योद्धा ऐसे हैं जिनका अता पता नहीं है, अता पता नहीं है, क्योंकि जैसे किसी ने युद्ध चलाया बाण चलाए और वो बाण भी कई लाख बाणों में एक्सपेंड होता था और उसके बाद वहां पे खून की नदियां बह जाती थी, जैसे विस्फोट होता है ना ऐसा विस्फोट होता था, तो पता ही नहीं चला, बोले कई लोगों को तो पता ही नहीं है धड़ कहाँ है सर कहाँ है कुछ नहीं पता चल पा रहा है, तो इतने इतने लोग मर गए। पर युद्ध खत्म हुआ और भगवान फिर वहां पे आए अर्जुन के साथ, और उस जो हाथी के गले में बहुत बड़ी घंटी बंधी हुई थी उसको उठाया तो वो जो चिड़िया के बच्चे थे जो अंडे में थे वो अंडे से बाहर आके वहां पे चिड़चिड़ाहट कर रहे थे, और वो जो चिड़िया थी वो फिर से आई भगवान की परिक्रमा करते हुए उनको फिर से धन्यवाद दे रही थी कि आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। तो राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, जिसको भगवान बचाना चाहे तो उसको कौन टच कर सकता है, इतने बड़े युद्ध में कितने योद्धा मर गए, पर चिड़िया के बच्चे बच गए क्योंकि भगवान चाहते थे बचाना, और बड़े बड़े योद्धा जिसको कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस युद्ध में उनका कोई बाल भी बाका कर सकता है, जैसे द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण भगवान चाहते थे मरे तो मर गए, है ना। इस तरह से भगवान भक्तों की केयर करते हैं, सभी लिविंग एंटिटीज की केयर करते हैं।
वो बहुत सेल्फिशली करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, अलौकिक है भगवान। तो यहाँ भी भगवान सभी साधु संतों के, ब्राह्मणों के, सबके पग पखार रहे हैं और इस तरह से उनका वेलकम हो रहा है। तो अब देखते हैं कि उसमें फिर आगे क्या होता है। तो कुछ कुछ स्नैप्स हैं जो मैं लिया हूँ महाभारत से ही, सीक्वेंस में पढ़ते तो बहुत टाइम जाता, तो मैं कुछ उसमें स्नैप्स लेके इसमें रखा हूँ। इसमें आता है कि महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए, देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प करते थे। जल्प मतलब वाद विवाद। एक तो होता है बकवाद, बकवाद होता है जैसे बगुले लोग आपस में बक 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 करते हैं तो उसे बकवाद बोलते हैं, मतलब कोई फालतू की बात करना। पर वो वाद विवाद कर रहे थे, मतलब शास्त्रार्थ कर रहे थे, शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में बात कर रहे थे। और इस तरह बोलते थे कि यह इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, ये बात ऐसी है, ऐसी नहीं है, इससे भी, इस तरह से आपस में बातचीत कर रहे थे। और इस प्रकार कह कहकर बहुत से वितंडावादी द्विज वहां वाद विवाद करते थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे बेसिकली। और ध्यान देने वाली बात है कि नारद जी भी वहां पे खुद बैठे हुए थे और वो शोभा बहुत अच्छा उसमें लग रहा था, क्योंकि बहुत बहुत देशों के राजा आए हुए थे, बहुत महर्षि लोग सब आए हुए थे। तो वो जो सभा थी उसमें ऐसा नहीं था कि कोई सिगरेट पी रहा था या कोई गुटखा खा रहा था, ऐसा कोई भी नहीं था जैसे आजकल के सभा में होता है। सब बड़े उसमें सब राजर्षि महर्षि सब बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए थे। बता रहे हैं कि कुछ मेधावी पंडित भी वहां पे थे जो दूसरों के कथन में दोष दिखाने के लिए अभ्यासी थे। मतलब वो वैसे गलत नहीं थे, पर इतने पंडित लोग थे कि कोई कुछ भी गलत बोलेगा तो तुरंत उसे करेक्ट करते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को कोई अनुमान से ही बोल दे कि नहीं ये ऐसा नहीं है तो तुरंत बोले नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो बोल पाते थे क्योंकि वो मेधावी पंडित थे, बहुत अच्छे से जानते थे शास्त्रों को। तो बोले कि ऐसे वो उसको करेक्ट करते थे जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते हैं। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, उनको पता था कि अर्थ क्या है और धर्म क्या है, कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षा प्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे। तो देखिए कितना अच्छा माहौल है, वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, वहां पे यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ सुखी हैं, खुद शास्त्रार्थ करके दूसरों को सुख बांट रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं कुछ लोग, इस तरह से बहुत अच्छा वहां पे माहौल चल रहा है। बताते हैं कि जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, जैसे ये सोलर प्लैनेट्स में हम देखते हैं ना कई बार पिक्चर्स आती है, इतना उसमें दिखता है कि इतना अच्छा लगता है उसमें पिक्चर्स आती है। अभी नासा ने रिसेंटली एक लॉन्च किया था वहां पे, अमेरिकन से 1 साल तो हो गया होगा, तो उन्होंने पिक्चर्स भेजी थी उससे कि वो कितने दूर की भी पिक्चर्स ले सकता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान मतलब कितने विशाल है, हम लोग साइंटिस्ट लोग बेचारे पागल हैं, बट जितना भी वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं पिक्चर्स को देख के भी लगता है कि हम लोग कितना बहुत छोटा देख पाए। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग 98% मास इस पूरे यूनिवर्स का पता ही नहीं लगा पाए, सिर्फ 2% पता लगा पाए हैं, सिर्फ इस यूनिवर्स का बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग, और हमारे भगवान है वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। तो इतना छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास जब आता है पिक्चर्स के आते हैं इतना अच्छा लगता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे नक्षत्र माला इतने सब प्लैनेट्स के बीच में आकाश मंडल की जैसे शोभा होती है, वैसे वहां पे वो युधिष्ठिर महाराज के सभा शोभायमान हो रही थी। और उसमें बता रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं था कि उसमें सब बड़े बड़े लोग थे, कोई शूद्र नहीं था ना कोई व्रतहीन द्विज। द्विज बोलते हैं जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। 2 बार जन्म कैसे होता है, जैसे एक तो माँ की कोख से होता है और दूसरी बार होता है जब उसकी दीक्षा हो जाती है, तो उसको द्विज बोलते हैं। तो ऐसा कोई आलतू फालतू द्विज भी नहीं था, वो व्रत ना व्रतहीन द्विज, मतलब वो प्रॉपर व्रत वगैरह रखने वाला अच्छा ब्राह्मण था। इस तरह से वहां पे बड़े बड़े राजा महर्षि लोग वहां पे इकट्ठा थे। आगे बताते हैं कि तो हुआ क्या कि जब इतना सब वहां पे सब लोग इकट्ठा थे, सब लोग वहां पे फिर सेटल हो गए, तो इस बीच में फिर भीष्म उठे और युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि भरत कुल भूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं अब उनका तुम वेलकम करना शुरू करो। तो एक तो वेलकम था कि जो गेट पे हो जाता है कि आए हैं तो वहां पे उनका वेलकम हो जाता है कि क्या लाए हैं, बोले आइए आइए, और एक प्रॉपर पूजा होती है जब वो लोग अंदर आ जाते हैं। निरासुय यज्ञ के कुछ विधान हैं जिसके बारे में भीष्म को बोल रहे हैं कि ठीक है आप इन सब की पूजा करो। आगे बोलते हैं कि आचार्य ऋत्विज संबंधी स्नातक प्रिय मित्र राजा इन छहों को
अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि एक वर्ष बिताकर यहाँ आवे तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए। तो वो एक एक वर्ष बिता के, को बहुत लंबे रास्ते से भी आ रहे होंगे, ऐसा शास्त्रों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं, इसलिए राजन तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ्य दो, और इन सब में जो श्रेष्ठ शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो। अर्घ्य कोई पूजा की विधि है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। जो राष्ट्रीय यज्ञ है उसमें सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। अब तो जैसे उन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया है कि तुम बारी बारी से इन सबके लिए अर्घ दो, और इन सब में जो श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो उसे सबसे पहले देना। समझ रहे? तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया कि भीष्म बोल रहे हैं कि सबकी पूजा अर्चना करो, पर जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले देना। ऐसे मतलब इंसल्ट होगी ना वरना दूसरों की, है ना? कई बार देखते नहीं, शादियों में भी हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ऐसा कह देते हैं कि अरे उन सबको तो उन्होंने दे दिया एक एक लिफाफा, हमें ही नहीं दिया, हमें इतना कम मान रहे हैं। कह नहीं देते, जैसे बोल भी देते हैं शादियों में। तो एक ये पुराना ही चला आ रहा है कि जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी सबसे पहले पूजा करनी चाहिए, है ना? तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है उसके सबसे पहले पूजा करो। तो युधिष्ठिर का एकदम से प्रश्न आया कि फिर है कौन, मतलब ये तो यहाँ पे तो हुजूम लगा हुआ है, इतने सब राजा हैं, इतने महर्षि लोग हैं, इतने सब हैं, पर आप बोले बहुत अनुभवशील हैं, आप सबको जानते हैं, आप बताइए कि इसमें सबसे पहले किसकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो भीष्म देखिए क्या जवाब देते हैं। भीष्म कहते हैं कि कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार दे दीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। देखिए आकाश में भी हम देखते हैं ना तो सूर्य अलग दिखता है ना, इतने सारे सब तारे सितारे सब अलग रखे रहते हैं, भगवान सूर्य एकदम अलग दिखते हैं। आगे कहते हैं, अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योतिष से जगमगा हो उठता है, और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आदित और प्रकाशित हो रही है, अतः यही अग्र पूजा के योग्य है। बस अभी भीष्म इतना कहेंगे ही और फिर शिशुपाल पागल हो जाएंगे, ठीक है? पर भीष्म जो बात कह रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भीष्म का अपना इसमें कोई कोई कहे भाई पर्सनल कुछ मोटिव है ना, ऐसा तो है नहीं कि भीष्म के कुछ बहुत क्लोज हैं इसलिए बोल रहे हैं, शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं इसलिए भीष्म भी बोल रहे हैं, है ना? तो कहाँ पे आया है, जैसे ब्रह्मा जी खुद बोले हैं कि जो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोले हैं, शिव जी बोले हैं श्रीमद् भागवतम में कि आप ही वो ओरिजिनल पर्सन हैं जिससे अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, इंद्र बोले हैं गोवर्धन लीला के बाद जब इंद्र को भगवान अच्छे से जिला दिए और ये 7 दिन तक इंद्र बरसात करते रहे और कुछ नहीं कर पाए, गोवर्धन हिल के नीचे जितने भी ब्रजवासी थे कुछ भी उनको दंड नहीं दे पाए, तब उनको उनका घमंड टूटा, तो वो भी बोलते हैं कि ओ लॉर्ड यू हैव शोन मर्सी टू मी बाय शैटरिंग माय फॉल्स प्राइड एंड डिफीटिंग माय अटेम्प्ट अटेम्प्ट मींस टू पनिश वृंदावन। तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान जो है वही, मतलब कृष्ण जो है वो सुप्रीम लॉर्ड है। आदि शंकराचार्य जो है वो भी कहते हैं कि मे देयर बी वन गॉड फॉर ऑल कृष्णा, सबको अपना अपना भगवान बोलने की जरूरत नहीं है, कहते मैं तो प्रार्थना करता हूँ एक जो ओरिजिनल भगवान है वो हो कृष्णा। मे देयर बी वन मंत्र फॉर ऑल हिज नेम्स, मे देयर बी वन कर्मा ड्यूटी एक्टिविटी मीन्स डिवोशनल सर्विस, लेट देयर बी वन कर्मा, कंफ्यूज क्या करना, बोले ये सब एक काम करें क्या भक्ति। तो गीता महात्म्य में आदि शंकराचार्य, तो इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भीष्म ब्रह्मा जी से पहले के हैं, भाई ब्रह्मा जी तो ऐसे हैं कि एक तरह से वो ओरिजिनल इस मटेरियल वर्ल्ड में वो पहले लिविंग एंटिटी है, और वो बोल रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। शिव जी जो है वो भी बोल रहे हैं, सब देवताओं के राजा इंद्र भी मान रहे हैं कि नहीं कृष्ण जो है वो भगवान है। इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भीष्म से उनकी क्लोजनेस थी, भीष्म अर्जुन कृष्ण से उनकी क्लोजनेस थी भीष्म की इसलिए बोल रहे हैं, अपने मन में से ही ऐसे बोल दिया है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा कोई कहे नहीं है तो बड़े बड़े लोग हैं तो, बट हम देखें कि अर्जुन भी बोले, 10th चैप्टर का ये श्लोक है, मैं श्लोक भी आपको दिखाता हूँ, देखिए 10, 12, 23 इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान
पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजम विभुम। परम ब्रह्म आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम आप परम धाम है, पवित्रम परम पवित्र आप ही हैं, परम भगवान आप हैं, एंड पुरुषम शाश्वतम आदि पुरुष भी आप ही हैं, दिव्यम आदिदेव मजम आपका कभी जन्म नहीं होता है, विभुम आप सर्वशक्तिमान हैं। और बोले अर्जुन भी फिर आगे प्रमाण दे रहे हैं क्या, आयुस्त्वामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वम चेव प्रवृषि में। आयुस्त्वामृष्य सर्वे, तो बोल रहे हैं कि ये पहले भी बता मैं सुन चुका था, और बता रहे हैं कि पहले भी लोगों ने मुझे बताया हुआ था। किस किसने? देवर्षि नारद दशा, देवर्षि नारद ने, असितो देवलो व्यास, असितो देवलो और व्यास ये तीन बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बोले ये सब तो पहले से बताते आए थे कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड स्वयं चेव ब्रवर्षि में। अब आपने खुद ही ये बात भी बता दी है। तो कितने कितने लोग इस बात को कंफर्म किए हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? तो भीष्म जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि भगवान जो है, बोल रहे हैं कि कुंती नंदन ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये सब राजाओं के बीच में अपने तेज और बलापल पराक्रम से सुशोभित हो रहे हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, यही सब है। तो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग ये सब बात बोलते आ रहे हैं। भाई ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का तो जन्म ही इस मटेरियल में सबसे पहले हुआ है, वही इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, तो अभी और क्या प्रूफ चाहिए? कोई लोग शिव के फॉलोवर हैं तो शिव जी तो खुद ही बोल रहे हैं, कोई देवी देवताओं के अगर फॉलोवर हैं तो उनके राजा इंद्र हैं वो भी बोल रहे हैं, और अगर किसी को इन पर भी डाउट है तो महर्षि लोग सब ये लोग बोल रहे हैं, नारद असित देवल व्यास ये सब बोल रहे हैं, और अर्जुन भी कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं मैं भी मान रहा हूँ, और अब तो आप खुद ही बता रहे हैं ये बात कि और कितना प्रूफ चाहिए। तो अब देखिए इस बात पे क्या होता है, तो जब भीष्म ये बोलते हैं तो भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ अर्घ मतलब पूजा अर्चना शुरू की। किसने? सहदेव ने। सहदेव की ड्यूटी थी ये पूजा अर्चना वगैरह का, सहदेव का डिपार्टमेंट था, जैसे हमने डिस्कस किया ना भीम जो है किचन देख रहे थे, सहदेव का काम था ये सबका वेलकमिंग वाला। पर होता क्या है, महाबली चेदीराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उल्हाना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। चेदीराज मतलब समझ गया ना कौन? शिशुपाल। चेदी चेदी राज्य का जो राजा था उसके बारे में बात हो रही है, तो मतलब शिशुपाल के बारे में बात हो रही है। तो बोले महाबली चेदीराज को गुस्सा आ गया। अभी इसी बात पे अभी बस बात भीष्म बोले ही थे कि भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, तो सहदेव आगे बढ़े पूजा करने के लिए, और अब इनको प्रॉब्लम हो गई शिशुपाल को। तो क्या बोलते हैं शिशुपाल, कौरव यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए यह वर्णी वंशी कृष्ण राजाओं के भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। मतलब वो कह रहे हैं कि कृष्ण राजा थोड़ी है, तो बोले कि ये तो मतलब शिशुपाल के दिमाग में थी, अरे ग्वाला ही तो है ना, बोले तो कहीं का राजा भी नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि भगवान कंस का वध करके उनके पिता उग्रसेन जी को राजा बनाए थे, और उन्हीं को रिपोर्टिंग करते थे, मतलब उन्हीं के अंडर में काम भी करते थे, बिल्कुल नॉर्मल उनका सेवाएं लेते थे, बताते थे कि प्रजा में दिक्कत चल रही है, इस पे इतना काम हो रहा है, पूरी रिपोर्ट भी दिया करते थे उग्रसेन जी को, और उग्रसेन जी राजा की तरह थे उसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई देखे तो उग्रसेन जी को तो कंस के पिता थे, और कंस ने ही अपने पिता को गद्दी से हटा के जेल में डाल दिया था, तो अगर उग्रसेन जी को राजा बनाए भी तो कृष्ण नहीं था कंस को मार के। तो देखिए बनाने वाला बड़ा होगा कि आप बोलोगे नहीं बनने वाला बड़ा हो गया? नहीं, ये तो सिंपल लॉजिक में भी हम देख सकते हैं, संसार में कितने ही लोग राजा बनाए हैं, जैसे चाणक्य ने भी राजा बनाया, पर चाणक्य पहले पूजनीय होंगे ना, उन्होंने चित्रगुप्त को राजा बनाया, तो ये तो सिंपल बात हो गई। तो आगे बोल रहे हैं शिशुपाल, महात्मा पांडवों के लिए ये विपरीत आचार कभी उचित नहीं है। पांडव कुमार मतलब युधिष्ठिर, पांडव कुमार तुमने स्वार्थवश कमल नयन कृष्ण का पूजा किया है। वो क्यों बोल रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली उनके मामा के लड़के हुए ना युधिष्ठिर के कृष्ण, तो उसे लग रहा है कि तुम तो रिलेटिव की तरह उनका पूजा कर रहे हो। कहता है पांडवों अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब इन्हीं को सब नॉलेज है। उनको बोल दिया है कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें धर्म का ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा कोई कहने लगे तो फिर हमें तो चलो धर्म का आइडिया नहीं है, पर ये बात तो भीष्म बोल रहे हैं, कोई कहे हम तो बालक है, चलो हमें धर्म का आइडिया नहीं, पर ये बात कि हाँ उदयपुर आप कुछ कह रहे हैं प्रभु जी क्या? एक मतलब प्रश्न था हाँ प्रभु जी, जैसे पांडव थे ना वो भी कौर मतलब
ऐसे को कहते थे कि कौरव, मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें कौरव कहते थे, पांडव के पुत्र पांडव कहते थे, जबकि ये तो कुरु परंपरा मतलब कुरु वंश में ही थे ना सारे, तो अलग अलग कौरव और क्यों कुरु में डिफ्रेंशिएट फर्क कर है ना, देना? कौरव मतलब उनकी पार्टी धृतराष्ट्र पार्टी, और पांडव मतलब ये अपने पांडव कुमार, और कुरु वंश हो गया जो इनके वंश में जो कुरु हुए थे ना, उस वंश में आने की वजह से अच्छा दोनों ही लोगों को कुरु बोल दिया जाता है, अच्छा तो उन्हें इसीलिए कौरव वंश क्यों कहते थे? ये देखने वाला अच्छा प्रश्न है आपका, मैं देखता हूँ इसके ऊपर क्या इसका आंसर हो सकता है। कुरु भगवान तब भी बोले जब अर्जुन का रथ लगाते हैं ना दोनों सेनाओं के मध्य में, हम डिस्कस भी किए थे भगवद गीता में, तो बोलते हैं कि लो देख लो सब कुरुओं को, तो कुरुओं को देख लो मतलब अपने लोगों को भी देख लो और उनको भी देख लो, मतलब भगवान खुद चाहते थे कि मोह में चले जाएं, इसलिए वहां पे वो लीला के माध्यम से अर्जुन कहते हैं कि मैं बिबिल्डर हो रहा हूँ, मैं कैसे मारूंगा, है ना। तो सॉरी कुछ बोलेंगे, नहीं, प्रोजी तो हाँ, तो शिशुपाल कह देते हैं कि अरे तुम्हें तो धर्म का जो है क्या ज्ञान नहीं है, तुम तो बालक हो, और कोई कहेगा ठीक है हम बालक हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है, पर ये बात तो भीष्म बोल रहे हैं, वो तो भीष्म बहुत, वो भगवान कृष्ण से भी अगर वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उससे 300 साल पहले से वो उस धरती में, मतलब एक तरह से भगवान कृष्ण से भी 300 साढ़े 300 साल बड़े हैं भीष्म, अगर उस दृष्टि से देखा जाए कि भगवान कब यहाँ पे अपियर हुए और भीष्म कब इस धरती पे जन्म हुआ भीष्म का, उस हिसाब से भी भीष्म काफी बुजुर्ग थे, तो भीष्म के बारे में कह रहे हैं कि ये गंगानंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, इनकी सूझबूझ भी कम हो गई है, मतलब कहने का यह है कि तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, और जहां तक भीष्म की बात है तो ये तो बूढ़े हो गए हैं, इनकी तो स्मरण शक्ति की वजह से ये कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण को पूजो, ऐसा शिशुपाल का मत, मतलब तुम भी बच्चे, तुम भी बेकार, ये बूढ़े, ये भी बेकार, सबसे ज्यादा होशियार मैं, ऐसा शिशुपाल का मत है। तो आगे बोलते हैं शिशुपाल भीष्म को, अब क्या कर रहे हैं ना शिशुपाल, सबको उलाहना देना शुरू कर रहे हैं एक तरह से कि तुम भी ऐसे, तुम भी ऐसे, कहते हैं भीष्म तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुंह देखी करने लगता है तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अपमान का पात्र बन जाता है, समाज में भी देखा जाता है, ऐसा बोल देते हैं कि जैसे कोई बूढ़ा है ना और कोई बोलने लगता है कोई बात, तो कह देते हैं कि अब इनकी बात को मानो मत ज्यादा, ये बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे हैं, तो इसमें तो चलो कोई बात नहीं है, हम भी मानते हैं कई बार बुजुर्ग लोग ऐसा हो जाते हैं, पर भीष्म के साथ तो ऐसा नहीं है ना, वो तो संत महात्माओं का बहुत संग किए हैं, वो तो शास्त्र के आधार पर ही बोल रहे हैं, हमने अभी भी देखा कि ब्रह्मा शिव जी इंद्र नारद सब लोग भगवान के बारे में बोले हैं कि नहीं यही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, उसी को सत्यता को प्रूव कर रहे हैं, है ना। हम किसी बुजुर्ग को ये कह के थोड़ी ना रोक सकते हैं कि नहीं आप बुजुर्ग हो गए अब आपकी स्मृति नहीं रही है, शास्त्र के आधार पे अगर काट सकते हैं तो बात है, पर शास्त्र तो कृष्ण को ही बोल रहे हैं भगवान है ना। आगे कहते हैं कि ये सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर संपूर्ण भूपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है वैसी पूजा का अधिकारी ये कैसे हो सकता है, तो शिशुपाल के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि राजा नहीं है तो पूजा नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली शिशुपाल जो थे ना वो रुक्मणी जी से शादी करना चाहते थे, और रुक्मणी जी के भाई रुक्मी उनसे इनकी दोस्ती भी थी, तो ये रुक्मी से कहा भी करते थे, और रुक्मी जी तैयार भी थे उसके लिए कि ठीक है मैं शादी करा दूंगा जो भी है, और जब फिर बाद में जब भगवान जब रुक्मी रुक्मणी जी बोली ना भगवान को लेटर लिख के कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपके अलावा मुझे इसमें कोई भी नहीं दिखता है जिसको मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं, और फिर भगवान वहां पे आके रुक्मणी जी को ले जाते हैं, प्रपद लिख रहे हैं कृष्णा बुक में पढ़ा हूँ कि प्रपद लिखते हैं कि जैसे जैसे सिंह सिंह आता है ना गीदड़ों के बीच में और अपना भोजन उठा के ले जाता है और गीदड़ देखते रह जाते हैं, ऐसे भगवान आए वहां पे और रुक्मणी जी को रथ में बैठाया, बलराम जी भी साथ में थे, और वहां पे बस जितने भी गीदड़ थे उन सबका मर्डर करते हुए और उधर से उठा के ले आए, तो तब से शिशुपाल बहुत बैर रखता था एक्चुअली भगवान से, बहुत ज्यादा बैर रखता था, बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता था, कहता था कि अरे क्या है इनका, ऐसी क्या बात हो गई कि इन्होंने पूतना को मार दिया, अरे लेडीज ही तो थी ऐसी क्या बात हो गई, ये नहीं कह रहा है कि 6 दिन के थे तब मारा है, वो बात नहीं दिख रही है इसे,
कह रहे हैं अरे लेडीज होती, लेडीज ही तो थी, ऐसी क्या बात हो गई पूतना को मार दिया, ऐसा क्या हो अल्लाह करते हो, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। बोले ऐसी क्या बात हो गई गोवर्धन उठा लिया, तुम लोग ऐसे कहते रहते हो गोवर्धन उठा लिया, अरे मिट्टी का ढेर ही तो था, कोई भी उठा ले उसे तो। अरे उसे गोवर्धन को बोला था मिट्टी का ढेर ही था तो उसे तो कोई भी उठा ले। 7 दिन लगे खड़े रहे भगवान, और एक एक ब्रजवासी के ऊपर भी पानी की बूंद नहीं गिरी इंद्र के द्वारा गए बरसात की, और शिशुपाल ऐसे कह रहे तो ऐसी क्या बात हो गई, उसे तो कोई भी उठा ले। तो द्वेष में वो होता है सामने वाले का दिखता ही नहीं है कुछ भी, तो वो अंधा हो चुका था द्वेष में शिशुपाल। आगे कहते हैं यदि तुम श्री कृष्ण को बहुत बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है। कहते हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये बुजुर्ग है हमारे, इनकी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, तो वसुदेव जी तो अभी भी जिंदा है, बोले उनकी करो फिर पूजा, है ना। फिर आगे अपना अपने अपने मतलब आर्ग्यूमेंट दे रहा है शिशुपाल, कह रहा है कि अगर ये मान लिया जाए कि वसुदेव कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाले, तुम्हारा अनुसरण करने वाले सुहृद हैं, इसलिए तुम इनकी पूजा करो, तो फिर तो सबसे पहले सुहृद तो राजा द्रुपद है, द्रुपद समझ गए ना, जो द्रौपदी जी के पिता थे। तो बोले वो आपके ससुर हैं, वो तो आपके, वो आपका सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आप उनकी करो अगर और आपको लग रहा है नहीं हमारे मामा के लड़के हैं कृष्ण हम करें, बोले नहीं नहीं इनसे ज्यादा तो बोले द्रुपद तुम्हारा अपना चाहते हैं, उनकी करो। तो बोले उनके रहते ये कैसे तुम इनकी पूजा करने लगे, और तुम मान रहे हो कृष्ण को आचार्य ही मान रहे हो कि भाई नहीं इनको ज्ञान बहुत, तो यहाँ पे तो द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य, ये सब बड़े बड़े आचार्य यहाँ बैठे हैं, तब भी तुम्हें कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट दे रहा है वहां पे कि बस किसी तरह कन्विंस हो जाए और भगवान कृष्ण को साइड करके और किसी और की पूजा शुरू। भगवान को कोई ऐसा नहीं है कि मेरी कोई पूजा करे, है ना, पर इस समय उसका काल आ गया है तो भगवान बैठे हैं अभी सुन रहे हैं। एक्चुअली वो और भी काफी कुछ बोलता है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन पे, अगर महाभारत खुली होगी मेरे पास तो आप लोग को मेरी स्क्रीन पे उधर तो आप कंफर्म कीजिए आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे कोई पीडीएफ। हाँ प्रभु जी, प्ले दिख ओके रहा है प्रभु जी वीडियो। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं खोला, हाँ यहाँ पे परशुराम के, हाँ देखिए कह रहा है कि ये पूरा पेज जो है इस पे हम पढ़ सकते हैं, मैंने इसलिए इसको नहीं उठाया, पूरे पेज में ही सॉरी उसके, सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी। प्रभु हाँ जी पीडी प्लेन प्लेन पीडीएफ है प्रभु जी, इस पे कुछ आ नहीं रहा है, बस ये आ रहा है शिशुपाल अगली डायलॉग सब कृष्णा, नीचे कुछ नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, अच्छा दोबारा अभी शेयर करता हूँ, सॉरी प्रभु अभी अभी कुछ दिखा है क्या, जी अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। ओके तो देखिए आगे क्या बोलते हैं शिष्यपाल। कुरुश्रेष्ठ मधुसूदन कृष्ण न ऋत्विज है न आचार्य है न राजा है, फिर तुमने किस प्रकार कामना से इनकी पूजा की है। उसके हिसाब से ये तीन कैटेगरी जो है पूजनीय है, और भौतिक स्तर पे जो आदमी रहता है ना वो जिसकी जितनी बुद्धि चलती है उसे उतना ही दिखता है। जैसे कुछ लोग संत महात्माओं से ऐसे पूछते हैं कि जैसे हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं वो IIT से हैं, तो कहते IIT करने के बाद तो बोले बहुत पैसा है, बहुत लोग मानते हैं और बहुत ऐश्वर्य है, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हो IITians, तो खूब पैसा मिलता है। तो बोले आपको इसमें ये सब चीजें कैसे मिल रही हैं उनसे, तो मतलब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन पूछने वाले का स्तर ये है कि यही एक आनंद रह गया इस संसार में, इसके ऊपर का कुछ नहीं है। जो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात करता है ना, है ना। तो उसके हिसाब से ऋत्विज आचार्य और राजा बोले बस यही पूजनीय हो सकते हैं, उसे नहीं पता कि इनके ऊपर भी कोई होता है, जो ये सब लोग जिसको रिपोर्ट करते हैं उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहा है कि यही सब पूजनीय है, वो ये है नहीं मधुसूदन कृष्ण, तो तुम इनके क्यों पूजा कर रहे हो। फिर आगे बोल रहा है भारत, अथवा यदि ये मधुसूदन ही तुम लोगों का पूजनीय देवता है इसलिए ही पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमान के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी। तो अब बाकी राजाओं को भी अपनी तरफ लेने का प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने ये मन बना ही रखा था कि तुम्हें कृष्ण की ही पूजा करनी है, तो हम लोग यहाँ फालतू में बुलाए तुम लोगों ने, है इंसल्ट करना था हमारी। आगे कहते राजाओं, हम सब अब राजाओं की तरफ मुड़ गया, राजाओं से बात कर रहा है, कह रहा है हम सब लोग इस महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं ना, वह भय लोभ या कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण नहीं है। हमने तो समझा था कि धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है तो अच्छा है, यही सोचकर हम इसे कर दे देते हैं, परंतु ये राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता। अब राजाओं को भड़का रहा है, कह रहा है कि हम सब लोग सोचे कि चलो ठीक है ऐसे सम्राट बनना है कोई बात नहीं, धर्मात्मा आदमी है तो टैक्स वगैरह दे देते हैं, लोगों की भलाई में लगाएगा, धर्मात्मा है,
हमें ये थोड़ी है कि हमें किसी तरह का इससे कोई डर हो रखा है या हमें कोई लालच है या किसी तरह की कोई बात है, पर ये कोई महात्मा तो बात कर नहीं रहा। अब युधिष्ठर जी के, ठीक है, युधिष्ठर जी जो थे ना वो शिशुपाल की लड़की के जेठ थे, ये बात ध्यान देने वाली है, उसकी उसे कितना सम्मान देना चाहिए था। शिशुपाल की लड़की जो थी वो नकुल को भी आई थी, है ना, और नकुल के बड़े भाई थे युधिष्ठर, तो एक तरह से शिशुपाल की लड़की के जेठ हुए, दामादी तो हुए, तो अपने दामाद से भी ज्यादा सम्मान उसे देना चाहिए नहीं। और ऐसा अपने जो इतना सम्मान देने के जो पात्र हैं युधिष्ठर, वो तो वैसे भी पात्र हैं, धर्मात्मा है, वो खुद ही बोल रहा है, पर रिश्ते के हिसाब से भी सम्मान देना चाहिए, और फिर भी उनके लिए बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है, कह रहा है कि युधिष्ठर इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में जिसे राजोचित चिन्ह छत्र चमर आदि प्राप्त नहीं हुआ है उसे कृष्ण की अर्घ्य के द्वारा पूजा की है। देखिए जो राजा होते थे ना उनको छत्र और चमर दिया जाता था, एक व्यक्ति छत्र लेके चलता था उनके ऊपर और एक व्यक्ति चमर डुलाता हुआ चलता था राजाओं के ऊपर, तो कहते हैं कि इसे तो वो प्राप्त भी नहीं है, तो तुम किस वजह से इनको कृष्ण को बोल रहे हो कि सबसे ऊपर है, ये सारे आचार्य यहाँ बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, सारे राजा यहाँ बैठे हैं, तुम्हें तो मतलब इस बात का बोले कोई बोले तुम्हें तो आइडिया ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। आगे कहता है कि धर्म धर्मपुत्र युधिष्ठर को अकस्मात ही, हाँ अभी कह रहा है कि इनको तो अपने आप ही धर्मात्मा का ये पद मिल गया, अकस्मात मतलब प्रारब्ध था तो धर्मात्मा इनको कहने लगे लोग, अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा जो किसी धर्मच्युत की इस प्रकार पूजा करेगा। समझ रहे, धर्मच्युत किसके लिए उसने यूज किया है, कृष्ण के लिए। कह रहा है कि अगर तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्मनिष्ठ आदमी हो, तो कृष्ण तो धर्मच्युत है, धर्मच्युत उसको बोलते हैं जो धर्म से गिर गया हो। हम भगवत गीता स्टडी में भी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम इस बात को डिस्कस किए थे कि जब पहला श्लोक अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में कृष्ण को, तो उनको अच्युत कह के संबोधित करते हैं, अच्युत, अच्युत का अर्थ होता है जो अपने पद से कभी गिरता नहीं है। तो भगवान हालांकि ड्राइवर थे अर्जुन के रथ के, चैरियट ड्राइवर है अर्जुन के रथ के, पर अर्जुन को अच्युत बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पता है कि आप भगवान हैं, और क्योंकि आप ड्राइवर बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पद से गिर गए। नहीं, देखिए हमारा डिमोशन होता रहता है इस संसार में, नहीं होता रहता है, जैसे कोई व्यक्ति है कंपनी का मालिक है, अब मालिक नहीं रहा है या नीचे पद पे आ गया है ना, सब कुछ लूट गया, बोले आप क्या, बोले अब तो वो गरीब हो गए जी, उनका तो सब, तो अमीर था अब गरीब हो गया, है ना। इस संसार में कोई व्यक्ति का डिमोशन होके ऊपर से नीचे आता रहता है, पर ऐसा नहीं है कि भगवान की सत्ता को कोई खतरा है कि अब वो गिर गया, अब वो वाले भगवान नहीं रहे जी, अब बोले अब दूसरे, ऐसा कुछ नहीं, वो अच्युत है, वो चाहे किसी का टॉयलेट साफ कर रहे हो, किसी संत का, वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हो, वो राजगद्दी में बैठे हो, गोपियों के साथ लीला कर रहे हो, वो माखन चुरा रहे हो, यशोदा मैया नंद महाराज को आनंद दे रहे हो, उनके जूते उठा, वो हर तरह से भगवान रहते हैं, हर तरह से, वो कभी भी अपने पद से ऐसा नहीं है कि अरे अब वो ये करने लगे और भगवान नहीं रहे। ऊपर इसके दिमाग में, शिशुपाल के दिमाग में क्या है, धर्मच्युत, बोले धर्म से च्युत हो गए, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं कि अरे वो तो रासलीला की है, मतलब उनका कोई कैरेक्टर नहीं था, ऐसे लोग बोल देते हैं कि वो तो धर्म से च्युत हो गए, सब शिशुपाल है, ये सब शिशुपाल है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा कौन धर्मनिष्ठ पुरुष होगा, युधिष्ठिर को बोल रहे हैं शिशुपाल कि वो धर्मच्युत की इस प्रकार है, कैसे धर्मच्युत हो गए, बोले विष्णु कुल में पैदा हुए इस दुरात्मा ने कुछ दिन पहले राजा जरासंध को अन्याय पूर्वक वध किया था। जरासंध से इसकी दोस्ती थी शिशुपाल की, तो अभी उसके फेवर में भी बोल रहे हैं, भगवान ने उसको मरवा दिया था, तो कह रहा है कि वो तो अन्याय पूर्वक मरवाया था, ऐसे बोल रहा है, कोई अन्याय पूर्वक नहीं मरवाया था वो भगवान ने बिल्कुल भी, हम उसको डिस्कस करेंगे कभी टाइम मिला तो, कुछ भी उसमें ऐसा अन्याय नहीं था, तो भगवान ने कभी ऐसे अन्याय थोड़ी ना करेंगे, वो जब राक्षसों को मार के अपने धाम बुला लेते हैं तो ऐसे किसी के साथ अन्याय करेंगे क्या। तो कह रहा है युधिष्ठर शिशुपाल आगे, आज युधिष्ठर का धर्मात्मा पर निकल गया क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ्य निवेदन करके अपनी कायरता ही दिखाई है। अब आप देखो, अब सबको बोल दिया, भीष्म को ही बोल दिया, अर्जुन भीष्म युधिष्ठर को ही बोल दिया, सब राजाओं को भी बोला कि देखो ये तो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, अब डायरेक्टली कृष्ण से देखो क्या बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं, माधव कुंती के पुत्र डरपोक कायर तपस्वी हैं, इन्होंने तुम्हें ठीक ठाक ना जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि तुम किसी पूजा के किस पूजा के अधिकारी हो। कह रहे हैं कि चलो ठीक है ये तो डरपोक कायर जो भी है, पर तुमने अगर तपस्या, तुम मना कर देते, तुम कह देते कि अरे 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 मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, ऐसे शिशुपाल बोल रहे हैं, अथवा जनार्दन इन कायरों द्वारा उपस्थित की गई इस अग्र पूजा को उसके योग्य ना होते हुए भी तुमने क्यों स्वीकार कर लिया।
अब देखो कैसे एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से हविष्य मतलब झूठन को चाट ले और अपने को धन धान्य मानने लगे, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। अरे मान क्या रहे हैं, वो हैं बड़े, है ना। और देखिए मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि वहां पे कितने शुद्ध भक्त थे उस सभा में, भीष्म थे, सब पांडव लोग थे और भगवान के कितने भक्त थे। हम जैसे अपवित्र आदमी को ये पढ़ के इतना गुस्सा आएगा, उनको कितना गुस्सा आ रहा होगा, वो इतना गंदा गंदा बोल रहा है। नारद जी खुद वहां बैठे हैं, सोचो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सब जगह प्रचार करते रहते हैं, उनको कितना गुस्सा आया होगा जब ऐसे वो उसको उन्होंने सुना होगा शिशुपाल के मुख से भगवान के लिए। आगे कह रहा है, कृष्ण तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ्य देकर वास्तव में तुम्ही को ठग रहे हैं। अभी तो कह रहा है कोई अपमान नहीं होता, और अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि राजाओं इन्होंने हमारा अपमान किया है। देखो कितना बात पलट रहा है, कह रहा है मैं तो समता भाव रखता हूँ, हम लोगों का कोई ऐसा अपमान की कोई बात नहीं है। तुझे अपमान महसूस नहीं हो रहा है, भगवान की पूजा से नहीं हो रहा था तो तू बोली क्यों रहा है फिर? जब अपमान महसूस हो रहा है तभी तो तू बोला ना, है ना। अब यहाँ कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हम लोगों को कोई ऐसा अपमान महसूस नहीं हो रहा, पर ये तो तुम्ही को ठग रहे हैं, तुम्हें तो तुम्हें बोलना चाहिए। कह आगे बोलता है, मधुसूदन जैसे नपुंसक का बिहार रचाना, अंधे को रूप दिखाना, उसका उपहास ही करना है, उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडंबना मात्र है। ऐसे गलत गलत आगे कहता है, आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म को भी, अब बोल रहा है देख लिया जी, देख लिया मैं युधिष्ठिर को भी देख लिया, सब देख लिया, भीष्म को भी देख लिया और इस कृष्ण को भी देख लिया, वास्तव में ये सब एक जैसे ही है। मतलब अपनी बात चल नहीं रही है तो बोल रहा है कि नहीं युधिष्ठिर भी ऐसे ही, भीष्म भी ये सब ऐसे ही। अब गुस्से में आ गया और फिर क्या किया, बस ऐसा कह के अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस राजभवन से जाने को उद्यत। कुछ राजाओं के साथ मतलब वो राजा भी उसके साथ इस चीज में थे कि नहीं भगवान की पूजा जो है उस नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वो गुस्सा कर रहा है ना। तो मतलब इस तरह से वो इतना वो भगवान के बारे में बोला और बोल के उठ के ना जाने लगा। अब तो अब जब वो जा रहा है ना, तो युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लग रहा है, धर्मात्मा आदमी थे युधिष्ठिर, चाहते नहीं थे कोई भी नाराज हो, तो वो उठ के जा, तो युधिष्ठिर ने जाके उसे रोक लिया, उसे मनाने का प्रयास कर रहे हैं। युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि राजन तुमने जैसी बात कह डाली है वह कदापि उचित नहीं है, किसी के प्रति इस प्रकार कठोर व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतनु नंदन भीष्म जी, धर्म के तत्व को ना जानते हो ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इनका अनादर मत करो। युधिष्ठिर जी तो धर्मात्मा आदमी थे, उसको पहले बताया कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, और फिर बाद में ये भी बोले कि देखो भीष्म जी जो है वो ऐसा नहीं है कि उनकी मेमोरी वगैरह कुछ कमजोर हो गई जैसे तुम बोल रहे हो, मतलब वो धर्म के तत्व को अच्छे से जानते हैं, तो तुम्हें उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि देखो ये सभी नरेश जिनमें से कोई भी तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अगर पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं, इसी तरह तुम्हें भी इस विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सहन करने का मतलब पता है क्या है, कि अगर थोड़ी वो मान लीजिए कुछ ईर्ष्या हो भी रही है ना, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि नहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो, जैसे हम लोग भी जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं एक अपना अभिमान लेके आते हैं ना, पर हम उसको सहन करते हैं कि नहीं समझ में आएगा, और बाद में हमें वो बात समझ में आ भी जाती है। इसी तरह भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी हम लोग ये नहीं कह सकते नहीं आई एम प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी कौन होता है, प्योर डिवोटी होता है जैसे सब शास्त्र जो है एज इट इज पता है, हम लोग प्योर डिवोटी नहीं है, पर हम लोगों को एक विश्वास है कि नहीं कृष्ण जो है वो सुप्रीम है, अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो हमें धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते हुए भक्तों का संग करते हुए क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बोले कि वो सब भी तो कृष्ण की, तो तुम्हें इस विषय में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करके युधिष्ठिर समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, चेदिराज भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप से हमारे पितामह भीष्म ही जानते हैं, कुरुनंदन भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। समझ लो कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर को पहले से ही भगवान भीष्म जी के बारे में पता था कि वो भगवान को अच्छे से जानते हैं। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो महाभारत का, उसके बाद भी वो पास्ट टाइम हम जानते हैं ना कि युधिष्ठिर उसमें क्राई कर रहे हैं, युद्ध खत्म होने के बाद बोले कि मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए, लाखों योद्धा सिर्फ मेरी वजह से मर गए, मैं इतना पापी हूँ, मुझे राजपाट का लालच था इसलिए ये सब हुआ, खूब उसमें क्रंदन कर रहे हैं। तो उस समय भगवान जो है
उनको भीष्म जी के पास ही लेके जाते हैं समझाने के लिए, खुद नहीं समझाते, अर्जुन को उन्होंने खुद ही समझा दिया था, है ना। अर्जुन को तो उन्होंने खुद समझा दिया था भगवान ने कि नहीं नहीं तुम युद्ध करो, तो चाहते तो युधिष्ठिर को समझा सकते थे तत्व ज्ञान देके। और तत्वज्ञान क्या, युधिष्ठिर तो सब जानते हैं धर्मराज के अंश हैं युधिष्ठिर, पर उस समय भगवान बोले कि नहीं अब ये टाइम है कि मैं अपने भक्त भीष्म का भी ग्लोरिफिकेशन करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि भीष्म कौन है। तो उस समय युधिष्ठिर को लेके जाते हैं भीष्म के पास, क्योंकि क्योंकि देखिए युधिष्ठिर को पहले से पता था कि उनको तत्व पता है कौन क्या है ना। तो इसलिए युधिष्ठिर का पहले से विश्वास भी था भीष्म के ऊपर, तो इसलिए भगवान कृष्ण एक चीज में बहुत सारे काम करते हैं। तो वहां पर उनको लगता है कि नहीं ये कन्विंस भी होंगे और भीष्म जी जो है उनका उनके बारे में भी दुनिया जानेगी, क्योंकि काफी लोग उनको गलत बोलते थे, जैसे परशुराम के शिष्य थे भीष्म, तो परशुराम के बाकी शिष्य कहते थे परशुराम से कि आप तो उनके बारे में वैसे ही बोलते रहते हैं कि भीष्म ऐसा है, भीष्म वैसा, इतना अच्छा है, भीष्म इतना बढ़िया है, और क्या बढ़िया है, आपसे युद्ध किया वो, आपकी बात कहाँ माना, आप कहे शादी करने के लिए, कहाँ किया वो, आपसे ही युद्ध किया। तो उस समय परशुराम भी अपने शिष्यों को लेके आए सबको दिखाने के लिए कि नहीं देखो मेरा शिष्य बोल रहा है जिसको मैं इतना बोलता था, तुम भी सुनो कि वो कौन है। और उस समय भीष्म जो है भीष्म स्तुति कर कृष्ण स्तुति करते हैं भगवान के बारे में, बताते हैं कि एक्चुअली कृष्ण कौन है। और वह वो स्तुति, और यहाँ पे भी एक स्तुति जो आई है जिसमें भीष्म भी बताएंगे, दोनों ही पढ़ते इतना अच्छा लगता है भगवान क्या बताते हैं सब डिटेल में, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं भगवान बस ये किए हैं इसलिए, नहीं बहुत डिटेल में भगवान के सारे अवतार के बारे में बिल्कुल तत्व से बताते हैं कि भगवान के कितने नाम हैं, क्या मतलब है, कौन सा अवतार किए, क्या क्या काम किए, सब बताते। और युधिष्ठिर भी पूछते हैं, आएगा अभी आगे वो, है ना। तो अब आगे देखिए, तो होता क्या है ना कि जब ये हो गया है जिसमें कृष्ण को यथा रूप से हमारे पिता में ऐसा बोल दिया युधिष्ठिर, तो उस समय फिर भीष्म जो है ना युधिष्ठिर को बोलते हैं कि नहीं नहीं इसे मत रोको जाने, मतलब शिशुपाल, क्योंकि बोले फालतू में डिले हो रहा है ना, जाना है तो जिसको जाना है जाए, हम तो फिर कृष्ण की पूजा करेंगे। पर युधिष्ठिर को एक उम्मीद थी, युधिष्ठिर को लगता है कि अगर इस समय भीष्म अच्छे से बताएंगे दोबारा से कृष्ण के बारे में तो शायद ये कन्विंस हो जाए। धर्मात्मा आदमी थे युधिष्ठिर, उस सब में कोई बैर नहीं रखते थे किसी से, ऐसा नहीं कि गलत बोल रहा है हमारे मन का नहीं करने दे रहा है यार भगाओ इसे यहाँ से, नहीं बहुत बहुत एडजस्टिंग थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है ना फिर भीष्म से कहते हैं कि आप जो है कृष्ण के बारे में बताइए, और जिससे कि सब लोग जो है यहाँ पे कृष्ण के बारे में समझ सके। तो भीष्म कहते हैं कि धर्मराज भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है, वे ही परम पूजनीय है, जो उनकी अगर पूजा स्वीकार नहीं करता उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए, वह संतापना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। एक्चुअली ये लाइन वो कब बोले हैं कि जब युधिष्ठिर अभी बात कर रहे हैं शिशुपाल से, तो बीच में फिर भीष्म बोले हैं अभी, है ना। तो अभी आगे आएगा इसमें कि जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय है जिसे युद्ध में जीतकर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए भी गुरु तुल्य पूज्य हो जाता है। एक्चुअली भीष्म क्या बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कृष्ण, मतलब जैसे कृष्ण ने क्या हुआ था कि बहुत सारे राजाओं के साथ युद्ध किया था जो भगवान से युद्ध करना चाहते थे, तो भगवान ने उनको मारा नहीं, बस हराया और छोड़ दिया, बोले ठीक है आप अपना राजपाट संभालिए। तो बोले कि ऐसे राजाओं के लिए तो कृष्ण गुरु तुल्य है, अगर वो ये नहीं भी मान रहे कि भगवान है तो भी वो ये देखे कि उन्होंने उनके प्राण नहीं लिए, जो उनको तो मार देना चाहिए था युद्ध में, पर भगवान उनको छोड़ दिया कि चलो ठीक है आप राजपाट के कोई दे, तो वो भी गुरु तुल्य है भगवान। और फिर आगे भीष्म बोल रहे हैं कि राजाओं के समुदाय में ऐसा कौन सा भूपाल है जिसने युद्ध में देवकीनंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त ना हुआ हो, मतलब वो सारे राजा जो वहां बैठे थे ना वो सब कृष्ण से युद्ध करके हार चुके थे एक एक बार, वो मारा नहीं था भगवान ने। तो बोले इन सबके लिए तो वैसे भी गुरु तुल्य है, तो तुम तो ये क्यों बोल रहे हो कि बेइज्जती हो गई राजाओं की। और ये सब आगे कहते हैं, महाबाहु श्री कृष्ण केवल हमारे ही पूजनीय नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये तीनों लोकों के पूजनीय है। कौन बोल रहे हैं, भीष्म। भीष्म कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी नहीं कि सभा में जो लोग हैं बस इन्हीं में ये सुप्रीम है, नहीं तीनों लोकों में बोले वो पूजनीय है, तीनों लोकों में वो सुप्रीम है। ये दो श्लोक और कवर करेंगे फिर स्टॉप करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं, ये संपूर्ण जगत वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, इसलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं दूसरों की नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ एज वाली कोई बात है, तीनों लोकों में वो पूजनीय है, सारा जगत इन्हीं से निकलता है, तो ऐसी वृद्ध वाली कोई बात ही नहीं है वो, बिकॉज ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। राजन तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी,
उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए थी। ये भीष्म ना अभी दूर से ही बोल रहे हैं। इसके बाद युधिष्ठिर जो है भीष्म की तरफ पलट के कहते हैं कि आप थोड़ा उनके बारे में हमें और बताइए ताकि वो कन्विंस हो जाए। इसको यही रोकते हैं जब 1 घंटा हो गया है, फिर बाद में कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसका देखें तो इसमें अभी हम 20% कवर किए हैं अभी तक जो हमारा हुआ है, 20 नहीं बट 40% कवर हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक दो दो क्लास और लगेगी तभी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इनके किसी को कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं। दीक्षा बाबू जी, ओ हरे कृष्ण अमित प्रभु। मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने बताया था कि जो चिड़िया थी, चिड़िया ने प्रभु जी से प्रार्थना की कि मेरे बच्चों को बचाए, तो उन्होंने हाथी के गले में जो घंटी थी वो हाँ तोड़ के उसको उसके चिड़िया के अंडों को ढक दिया। ना तो वो जैसे युद्ध हुआ तो उस घंटी का कुछ नहीं हुआ, मतलब इतने बड़े बड़े ना, भीषण हुए ये हाँ सब। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही तो भगवान की लीला है। आप युद्ध देखो भूमि ना, भी नहीं। अभी आप देखो ये भूकंप कहाँ पे आया है? अभी तो सीरिया में आया ना, सीरिया। और कहाँ पे है शंभरू? कहाँ पे आया वो सीरिया में? और शंप्रो बहुत जनरल नॉलेज रखते हैं, मुझे पता है। तर्की हाँ, टर्की और सीरिया में भूकंप आया है। हफ्ते हफ्ते बाद भी व्यक्ति निकल रहा है वहां से, पता है, जिंदा। ठीक है, काफी लोग मरे हैं वहां पे, पर जिंदा भी तो निकल रहे हैं। कहते हैं अरे देखो भगवान का चमत्कार हो गया, कह नहीं रहे हैं। बार बार मंजिल इमारत गिरी है और फिर उसमें से निकाल के बोलते हैं कि देखिए जीवित है। नहीं, इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान जिसको बचाना चाहे तो क्यों नहीं बचा सकते, और जिसको मारना चाहे तो फिर कौन बचा सकता है फिर उसको। भीष्म देखिए ना कितने महारथी थे। दुर्योधन उन्हीं के पीछे तो पागल हो रखा था कि नहीं ये हमारे साथ है तो हम कभी नहीं हार सकते। इसीलिए तो भीष्म अपोजिट पार्टी पांडवों की तरफ नहीं गए ना। उन्हें पता था कि अगर मैं कौरवों की तरफ रहूंगा तो ये सारे राजा यहाँ मेरे साथ इकट्ठे हो जाएंगे, भगवान का काम इजी हो जाएगा। इसलिए वो पांडवों की तरफ से नहीं लड़े, इधर ही रहे, इसलिए कौरवों की तरफ, भगवान का काम आसान करने के लिए। करेक्ट है ना अगर अमित? पांडव रहते तो युद्ध होता ही नहीं। हाँ, वो दुर्योधन का फिर उसको मोटिवेट मोटिवेट करने के लिए कि नहीं नहीं हम जीत सकते हैं, इधर ही से ही लड़े वो। और उससे क्या हुआ ना कि बाकी राजाओं को भी लगा कि अरे इनको तो कोई भी चकनाचूर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, भीष्म भी है इधर, कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान का काम आसान हो गया, सबको एक जगह इकट्ठा करके काम तमाम करवा दिया। करेक्ट ना? अच्छा एक प्रश्न और है मेरा। हाँ शिशुपाल कृष्ण जी के भाई थे, बुआ जी के बेटे थे, तो हाँ भगवान जी ने मतलब अपनी बुआ जी से वादा किया था कि मैं शिशुपाल के 100 पाप माफ करूंगा, हाँ मतलब वो ऐसे आएगा, प्रॉमिस भीष्म उन्होंने बताएंगे सो। अभी। अच्छा जब शिशुपाल वध पर्व आएगा ना और उसमें भीम गुस्से में जाके कहेंगे कि मैं इसका खत्म कर देता हूँ शिशुपाल को, तब वो पूरा पास्ट टाइम जो है भीष्म बताएंगे कि कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे कृष्ण जो है उसे मारने के लिए बने हैं, वो सब बताएंगे अभी आगे आएगा। ठीक है ना अमित भाई? ओके, ठीक है। शिवम प्रभु पहली बार ज्वाइन किए हैं, आप अभी है लाइन पे शिवम प्रभु? जी प्रभु जी। ओके, ठीक लग रहा है आपको? हाँ हाँ प्रभु जी अच्छा लगा, सुनी हुई स्टोरी थी हाँ बट दोबारा सुन के भी अच्छा लगा। भगवान की लीलाएं ऐसी है। एक्चुअली हम लोग, वैसे मैं सही बताऊं ना, मैं ऐसे सोच रहा था कि महाभारत में कैसे दिखाया गया था जब हम देखते थे ना, जब छोटे छोटे थे, तो मैं ऐसे देखने लगा कि महाभारत में कैसे दिखाया गया था। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें हमें एज इट इज देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। और सही बात तो है कि ग्रंथ पढ़ के जैसा हम देख सकते हैं ना, उसको कोई पिक्चर पे उतना अच्छे से नहीं उतार सकता, क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग विजन रहता है ना देखने का। तो सब इतना अच्छा है ग्रंथ, जो पढ़ रहा है वो अपने तरीके से उसको देख रहा है, उस लीला को होते हुए, कि कैसे भगवान बैठे होंगे। जैसे शिशुपाल बोल रहा होगा तो कैसे शुद्ध भक्त गुस्सा कर रहे होंगे उस समय वहां बैठे हुए, और कैसे जो भीष्म ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि भगवान ने ये अवतार लिया था, फिर ये लिया था, यही भगवान है, इन्होंने फिर ये किया था, फिर पुत्रों को मारा था, फिर कंस को मारा था। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब शुद्ध भक्त जो है बड़े डिटेल में इस तरह से, आनंद आता है। शास्त्रों में बहुत सुख है, बहुत सुख है शास्त्रों में।
जी प्रभु जी। थैंक यू श्योर प्रो, ज्वाइन किया। यूजुअली हम इस टाइम पे भगवद गीता क्लास लेते हैं और मुझे लगा अटेंडेंस कम होगी, एक दो तीन चार भक्त होंगे, मैं देख रहा हूँ 9-10 भक्त आ गए। ऐसे होता तो मैं भगवद गीता ही ले लेता मैं, बट कोई नहीं। तो नेक्स्ट वीक फिर से हम भगवद गीता कंटिन्यू करेंगे, कभी कभी लगा तो इस तरह के स्पेशल क्लास कर लिया करेंगे। जी थैंक यू श्योर प्रो। यीशु प्रो आप हैं अभी लाइन में? जी और प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रणाम कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। एक सवाल था उसमें, जैसा वो बता रहे थे हाँ कि शिशुपाल जब ऑफेंस कर रहे थे भगवान के प्रति, अपराध कर रहे थे भूल के, तो बाकी सारे शुद्ध भक्त बैठे थे और कितना गुस्सा आ रहा था उन्हें, तो मैं जनरल सेंस पूछ रहा हूँ कि रिएक्शन कैसा रहता है, मतलब वो टेम्परामेंट कैसे हैंडल करते हैं। कल का बात बताता हूँ मैं आपको, सही में। यहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम था, पंडाल लगाया था हमने यहाँ अचलेश्वर मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर महादेव का। तो एक दिन पहले पंडाल लगाने से पहले बहुत कलेश हुआ मतलब इतना कलेश हुआ आसपास के लोगों के, इतने अपराध हुआ कि गौरिया मठ वाले ऐसे हैं, जाने नहीं देते, बुलाने नहीं देते, ये करते हैं वो करते हैं, तो सामने खड़े हो गए, मतलब इतना 6-5 घंटे तो इतना सुना हमने, इतना सुना हमारे बारे में जितना हमने पूरे साल में नहीं सुना होगा। तो और वो हमारे प्रति नहीं बोल रहे थे, वो ऑफेंस कर रहे थे पूरे मतलब परंपरा को पूरा, ऐसा कि हमारे प्रति बोलते तो ठीक है कि हम कुछ रिएक्ट कर देते, लेकिन वो तो उसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए और कैसे देखना चाहिए इन चीजों को कि हाँ, तो उसमें मैं अपने हम। शिक्षा गुरु से पूछा था एक बार, मेरा भी प्रश्न था ये जी कि अगर कोई इस तरह का ब्लास्फेम होता है भगवान को लेके तो क्या करना चाहिए। देखिए, शुद्ध भक्तों का तो अलग रहता है, शुद्ध भक्तों का जो आचरण है वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग देखा गया है। जैसे जब वैष्णव अपराध होने लगे तो परम वैष्णव भगवान शिव उस सभा से उठ के खड़े हो गए और चले गए वहां से। कौन सी लीला में हम सुने हैं ये बात? दक्ष प्रजापति की, वहां पे जब हवन हो रहा है उस समय उनके प्रति अपराध होने लगा वैष्णव के, तो वो उठ के चले गए। कहीं कहीं पे जब भगवान की प्रेजेंस है तो भगवान की इच्छा को समझते हुए परम वैष्णव वहां रहते हैं। तो बट आइडियली क्या करना चाहिए, मैं जब शिक्षा गुरु से पूछा था वो कहे कि अगर भगवान की निंदा हो रही है तो वहां से चले जाना। शास्त्र तो बोलते हैं उसकी जीभ काट देनी चाहिए। बोले जो कर रहा है जीभ पकड़ो काट दो उसके। बोले नहीं वो तो नहीं कर सकते। बोले तो अपने कान में आप गरम तेल डाल लो, आप सुने हो ना? बोले निंदा। बोले हाँ, कान में गरम तेल डाल लेना चाहिए, उससे बोले वो अपराध कम होगा। बोले नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं कर सकते। कलयुग में यही बताया गया है कि जहाँ निंदा है आप उठिए खड़े होकर चले जाइए, आप सुनिए मत चले जाइए, नाम जप कीजिए, भगवान से माफी मांगिए कि हमने आपके बारे में जो सुन लिया, चले जाइए वहां से उठ के। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि नहीं जा सकते, अगर आप ऐसे सिचुएशन है कि बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं तो फिर वहां देखना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से लास्ट यही है कि आप वहां से चले जाइए। ये मैंने बताया जो जी मेरे प्रभु जी, शिक्षा गुरु ने प्रभु मुझे जी बताया, चले जाइए। लीलाओं में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे अगर इस बात से देखें तो नारद जी, भीष्म पितामह सब वही हैं, वो नहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान की इच्छा ही है कि वो वहां रहें, ताकि उस भगवान की, क्योंकि वो उठ के जाएंगे तो पता ही क्या होगा, वो उठ के जाएंगे ना तो सब पूरी सभा खाली होती चली जाएगी, तो शिशुपाल का उस समय जो उद्धार होना है ना वो हो नहीं पाएगा। तो फॉर द हायर कोज दे आर टॉलरेटिंग इट। अब प्रभु जी, इसका रिएक्शन में ऐसा रहा था कि हमने तकरीबन मतलब 4 लाख लोगों का इंटरेक्शन रहा इस्कॉन मंदिर के काउंटर पे आए कल, और बहुत ही मतलब बढ़िया। और बहुत मतलब प्रचार हुआ तकरीबन कल, तो मतलब 8 से 12 घंटे लगातार कीर्तन रहा, हाँ बहुत ही बढ़िया, फिर आपने टॉलरेट करा तो कर लिया हायर कोर्स के लिए ना, दैट इज वेरी वेरी गुड जी फॉर यू, बहुत ही बढ़िया। तो यही अच्छा, इसका यही हमें रिएक्शन सिखाया ये है रहा कि वही नहीं, बहुत बहुत ही वही बढ़िया, यही हमें करना है। फॉर हायर कोर्स विल टॉलरेट, नो प्रॉब्लम, जी प्रभु जी, विल टॉलरेट। वही मैं पूछ रहा था कि कैसे क्या करूं, मैं तो समझ में नहीं। वो माला रहती है हाथ में तब तक तो रुक जाते, लेकिन जैसे ही माला छूटती थी वो पुरानी यादें मैं बताऊंगा तेरे वापस आ को जाती थी इधर वही आने वही दे। प्रभु, पुलिस वालों से लेके कांस्टेबल से लेके SDM तक सब, इतना कलेश हुआ कल परसों तो बहुत ज्यादा, लेकिन हो गई। फाइनली देखिए एट द एंड हो गया। प्रभु जी, मैं आपको बताऊं, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कलेश। हम जब भी हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कलेश होगा और उसको सहन करेंगे, उससे शुद्धि होगी। हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कलेश, कलेश मतलब शुद्धि। शुद्धि कैसे सहन करने से? हम आगे बढ़ के मारेंगे तो फिर नहीं, सहन करके शुद्धि हो जाएंगे, वरना कैसे होगी। बहुत अच्छा मुझे लगा आपकी ये बात कि 4 लाख लोग आए, प्रचार हुआ और हायर कोर्स के लिए आप टॉलरेट किए,
आप सच में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों के लिए भी सेट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू सो मच रोजी, हरे कृष्ण। यू अश्विनी। अश्विनी प्रभु, यू वांट टू शेयर समथिंग प्रोजेक्ट? आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोचता शिशुपाल वध की कहानी, मतलब जो कथा है, हाँ पूरी हो हाँ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी उत्सुकता है मुझे कि ये पूरी हो अगले बार। लेकिन अब देखते हैं, गीता होगी तो फिर गीता पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में नहीं सुनी है जैसे आज है ना। तो मेरे लिए तो, मेरे को तो बहुत जैसे नई चीज मैं सुन रहा हूँ, और थोड़ा आज गुस्सा मुझे भी तो आया डिटेल कि इतना बोल गया शिशुपाल। थोड़ा तो मुझे भी आ रहा था, मैं इतना कैसे बोल गया वक्त तो वो। कोई आएगा, जो भी वक्त पड़ेगा उसे गुस्सा तो हाँ आएगा ही। देखिए और सोचिए हम लोगों को कितना गुस्सा आ रहा है, उन भक्तों की क्या हालत होगी जो सभा में बैठे होंगे शुद्ध भक्त भगवान के। हाँ मतलब मैं, और अभी भी मतलब खत्म नहीं हुआ है प्रसंग। मैं सोच रहा हूँ अभी तो कितनी और बोलेगा वो। हाँ बोलता है, बहुत बोलता है। वो आगे भीष्म भी हाँ सारी लीलाएं उस, भगवान के सुनाएंगे ये प्रूव करने के लिए कि भगवान है, तो भी भीष्म से ये कह रहा है कि भीष्म तुम फालतू के आदमी हो। बोलता जाएगा, कहेगा कि तुम इसकी बोल रहे हो, अरे इसने कुछ पक्षियों को मार दिया तो तुम इसका, ये क्या बड़ी बात हो, ऐसे करके बोलता रहता है फालतू का। बहुत गुस्सा आता है। तो एक्चुअली वो गुस्सा इसीलिए है कि जब भगवान मारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मूवीज में नहीं होता, पहले विलन को दिखाते हैं कितना गंदा है वो, फिर लास्ट में जब हीरो मारता है ना बड़ा सुकून होता है, अच्छा मार दिया ऐसे पकड़ के। करेंगे कभी कंप्लीट इसको तो भी। यही। हाँ ये, हाँ ये थोड़ा सा शिशुपाल की कथा मैंने, मतलब जब श्री कृष्ण आता था टीवी में तब मैंने देखी तो थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही है। अब मेरे पास महाभारत ग्रंथ है नहीं, देखूंगा मैं भी अब टीवी में एक बारी, ये बात या मैं यूट्यूब सबको में बोलूंगा मिल भक्तों जाए। को कि जो भी महाभारत ग्रंथ जैसा ग्रंथ है, महाकाव्य है, पर इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और वो सब है। जहां पे कृष्ण ग्लोरिफिकेशन नहीं है, उन ये कृष्ण के बारे में बातचीत नहीं है, वो उस बारे में हमें ना जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस पार्ट को सिर्फ इसलिए ले लिया था महाभारत के, क्योंकि इसमें भगवान के बारे में बातचीत हो रही है। पर जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिक्स है, दुर्योधन ये कर रहा है, धृतराष्ट्र ने ये किया, उसमें उसमें हमें इतना जाने का जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, इस समय सिद्धांत, में हाँ बलराम जी वहां नहीं थे, नहीं, बलराम जी नहीं थे। इनफैक्ट मैं तभी वो मेरे भी को सोच इतना रहा था कि गुस्सा नहीं अर्जुन आया। भी नहीं थे वहां पे, वरना अर्जुन भी बहुत गुस्सा होते, उनका भी नहीं आया गुस्सा है। बहुत आता नहीं तो। हाँ ऐसा लगता है शायद अर्जुन की भी कोई और डिपार्टमेंट होगा बाहर की, कहीं सेवा थी शायद, उसमें बिजी होंगे पता नहीं, पर यहाँ पे तो उनके बारे में कुछ ऐसा आता नहीं है। वो मैं भी सोच रहा था कि भाई अर्जुन तो सबसे पहले उठ के पेल देते उसको, कहते भाई गांडी चढ़ा रहा हूँ मैं भी, बैंड बजाता हूँ तेरी, पर वो भी कुछ बोले बलराम जी का नहीं। भी ऐसे ही होता, वो तो मतलब शुरू हो जाते एक हाँ बार में, एक नहीं सुन हाँ शुरू हो करेक्ट जाते, 100 तक तो पहुंचते ही करेक्ट नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो ये था। ठीक है, तो मेरी धर्मपत्नी का इनविटेशन आ गया है, कोई गेस्ट आए हुए ठीक हैं, सबसे माफी चाहूंगा ठीक मैं। वंशा कल त्रोवेश कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रपात की जय। गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑन द शिशुपाल वध। इट वाज वेरी न्यू फॉर एवरीवन, सो वी वुड लाइक टू थैंक्स प्रभु जी बाय चेंटिंग लाउड एंड प्राउडली हरे कृष्णा महामंत्र वन टाइम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। ओके थैंक यू सो मच हरे रोजी, कृष्णा मच एवरीवन, हरे अप्रिशिएटेड। कृष्णा।